आखिरकार रूस से ईरान जिस चीज की उम्मीद कर रहा था वो काम रूस ने ईरान के लिए कर दिया है। एक तरफ यमन के हुथी अपना बड़ा प्लान बना रहे हैं कि वो रेड सी से किस तरह से इजराइल को घेरेंगे, तो दूसरी तरफ लेबनान के हिजबुल्ला ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं ईरान ने हानिया की मौत के बाद तुरंत हमास का नया चीफ मैशाल को बनाने का फैसला लिया है और उन्हें ईरान बुलाया है। इसके अलावा तुर्की से रजब तैयब अर्दोगान ने नाटो को बुरी तरह से लताड़ दिया है और बाइडन को भी आड़े हाथों लिया है। जैसा कि हमने बताया कि रूस ने ईरान के लिए वो काम कर दिया है जिससे ईरान की सबसे बड़ी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है, और रूस की इस मदद से ना सिर्फ इजराइल घबराया हुआ है बल्कि अमेरिका भी टेंशन में आ चुका है। दरअसल रूस ने अपना एक बड़ा कार्गो प्लेन ईरान की राजधानी तेहरान में भेज दिया है। जेलिक्स एयरलाइंस जो रूस की एक कार्गो एयरलाइन है और रूस इस एयरलाइन के जहाज खासतौर पर हथियार भेजने के लिए ही इस्तेमाल करता है, उसका एक बड़ा जहाज सीधा ईरान की राजधानी तेहरान में लैंड हुआ है। इस जहाज में हथियार से लेकर गोला बारूद और दूसरे वेपन हो सकते हैं। रूस लगातार ईरान और इजराइल की जंग पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर वो ऐसे और भी जहाज शायद रूस से ईरान को भेज सकता है। वैसे ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ऐसा खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने कहा है। तो फिर जो रूस ने जेलिक्स एयरलाइन का जहाज तेहरान में लैंड करवाया है उसमें खास हथियार हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान इजराइल पर 12 या फिर 13 तारीख के आसपास बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि इजराइल में उस दिन को बहुत गम भरा दिन माना जाता है और ईरान उसी दिन या उसके आसपास इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने हानिया की मौत के बाद हमास के नए चीफ की तैयारी के लिए मैशान को ईरान में बुलाया है, जिसका साफ मतलब है अब ईरान बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और वो हर तरफ से अपने प्रॉक्सी ग्रुप को ये मैसेज भेज रहा है कि इजराइल पर बड़ा एक्शन किस तरह से लेना है। 12 और 13 तारीख के दिन इजराइल के लोग तीशा बाव नाम का एक गम भरा दिन मनाते हैं जिसमें वो अब तक के इतिहास में मारे गए यहूदियों को याद करते हैं और सोलोमन टेंपल जो दो बार गिराया जा चुका है, पहली बार उसे बेबीलोनियन अंपायर ने गिराया था और दूसरी बार रोमन अंपायर ने, उन्हीं घटनाओं को याद करके इजराइल के लोग बहुत दुखी होते हैं। उसी दिन ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। उधर हिजबुल्ला ने भी अपने रॉकेट एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार कर लिया है। इजराइल ने कुछ ही दिन पहले हिजबुल्ला के एक खास कमांडर फौद को मारा था, जिनके साथ दो औरतें और बच्चे भी मारे गए थे। इसके बाद से ही हिजबुल्ला ने अपनी कमर कस ली है और इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो इजराइल का तीशा बाओ का गम भरा त्योहार और ज्यादा गमगीन कर देगा। उधर रेड सी से भी यमन के हुथी बड़ी तैयारी में लगे हैं। वैसे हुथी इजराइल पर डायरेक्ट ड्रोन और मिसाइल दाग सकते हैं, लेकिन वो उनकी ताकत नहीं है, इसीलिए हुथी इजराइल को सबसे ज्यादा कमजोर रेड सी में बनाने वाले हैं, क्योंकि जो रेड सी है वो इजराइल तक पहुंचने का सबसे कम वक्त लगने वाला रास्ता है और आसान भी है। यहीं से ज्यादातर यूरोपीय देश बहुत ही कम टाइम में इजराइल की बंदरगाहों पर सामान पहुंचा देते हैं। इसी रास्ते से इजराइल को बड़े बड़े कार्गो कंटेनर में अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देश हथियार भेजेंगे, इजराइल को तेल भेजेंगे और दूसरे ऐसे साजो सामान भेजेंगे
जो जंग में इस्तेमाल करे जा सकते हैं, और हुथी विद्रोही अपना निशाना उन्हीं कार्गो कंटेनर्स को बनाने वाले हैं, क्योंकि जब इसराइल तक सामान ही नहीं पहुंचेगा, हथियार ही नहीं पहुंचेंगे, तो वो जंग कैसे करेगा। और इसी चीज का डर अमेरिका को सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के बिना सपोर्ट के इसराइल इतने मोर्चों पर एक साथ जंग नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका ने अपने एक दो नहीं बल्कि 12 नेवल वॉरशिप मिडिल ईस्ट में उतार दिए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए अपने फिगेट और नेवल वॉरशिप मिडिल ईस्ट के समंदर में उतारे हों। पिछले 7-8 महीनों में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने हूथियों को रोकने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो नाकाम रहे। और इस बार तो हूथियों को ईरान और ज्यादा खतरनाक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, जो लॉन्ग रेंज तक वार करती हैं, जिससे रेड सी में हूथियों से जीत पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो समंदर के ऊपर तो ऊपर गहरे समंदर के अंदर जाकर भी दुश्मन के जहाजों को अपना निशाना बना सकते हैं, और ऐसा उन्होंने कई बार करा भी है। उधर तुर्की के रजब तैयब अर्दोगान ने नाटो को इसराइल की मदद करने में टांग अड़ाई है। दरअसल नाटो अलायंस के ज्यादातर यूरोपीय देश इसराइल को तेल, खाना, पानी, गैस और दूसरे जरूरी सामान देकर मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुर्की भी नाटो का मेंबर है, तो उसने साफ तौर पर इसराइल को मदद ना भेजने पर जोर दिया है, जिससे इसराइल को इतना गुस्सा आया कि उसने नाटो से अपील कर दी कि तुर्की को नाटो अलायंस से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा अर्दोगन ने बाइडन को भी आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया है कि पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। दोस्तों, ईरान की पलटवार करने की तैयारी को देखते हुए नेतन्याहू ने इसराइल के लोगों को तैयार रहने को कहा है कि उनके शहरों पर कभी भी बड़े हमले किए जा सकते हैं। इसीलिए इसराइल में जितने भी बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। साथ ही इसराइल के लोगों को ये भी कहा गया है कि उन्हें हमले के बाद सिर्फ 90 सेकंड में उन बॉम्ब शेल्टर में पहुंचना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने हमले के वक्त अपने बेसमेंट में छुपने के लिए शेल्टर बनाए हुए हैं, उन्हें वो साफ कर लें और उन शेल्टर्स में खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजों को ले जाकर रख लें, ताकि वो हमले के वक्त अपनी जान बचा सकें। अगर ईरान इतने बड़े हमले की प्लानिंग इसराइल पर करने जा रहा है, तो ये बात साफ है सिर्फ 90 सेकंड में कैसे हजारों लोग उन शेल्टर में पहुंच पाएंगे। अगर इसराइल के आम नागरिक शेल्टर्स में महफूज भी हो गए, तो उनके वीआईपी लोग, उनकी सेना फिर कैसे बचेगी, क्योंकि अभी तक हिजबुल्ला, हमास या हुथी सिर्फ इसराइल के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन बीते कुछ महीनों में गाजा में हजारों लोग बेवजह मारे गए हैं, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन के आम लोगों की भी काफी जाने गई हैं। ऐसे में अगर ईरान ने इसराइल के शहरों पर हमला किया, तो वहां भारी नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी ईरान इसराइल पर किस तरह से पलटवार करेगा, और क्या इसराइल ईरान के हमलों से बच पाएगा, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।